ध्यान से सुनो और तारक मेहता शो पर इन 8 सवालों के जवाब दो। बताओ कि आत्माराम तुकाराम भिड़े के स्कूटर का क्या नाम है? सरल सवाल खत्म, आगे कठिन सवाल है तो बहुत ध्यान से सुनिए। आपको गुलाबों वाला एपिसोड याद है, जहां जेठालाल शूटिंग में गुलाबों से शादी कर लेता है, लेकिन गुलाबों शादी को सच मानती है और जेठालाल के घर के सामने अपना तंबू लगाकर रहने लगती है। पूरी सोसाइटी और जेठालाल खुद बहुत परेशान है। अगर आपने इसे ध्यान से देखा है तो बताइए कि गुलाबों की वकील का क्या नाम था। चलिए मैं आपको 4 ऑप्शन देती हूँ, नहीं बता पाए तो निराश मत होइए और आगे चलिए। पुराने नट्टू काका के दुखद देहांत के बाद अब नए नट्टू काका शो में हैं और वह अच्छा अभिनय भी कर रहे हैं, लेकिन हम सभी पुराने नट्टू काका को मिस करते हैं। बताइए कि नट्टू काका का खाना किस भोजनालय से आता है? एक एपिसोड में सौडी और रोशन अपने बेटे गोगी को जेठालाल के घर छोड़कर कहीं चले जाते हैं और गोगी सारी टप्पू सेना के साथ कच्चे आम तोड़ने किसी के बगीचे में घुस जाता है। वह आदमी गोगी को पकड़ लेता है और गोगी को छोड़ने के लिए शर्त रखता है कि गोगी के मम्मी पापा को उसके पास आना होगा। फिर गोगी के मम्मी पापा बनते हैं बबीता जी और अय्यर भाई। बताइए जिस इंसान ने गोगी को पकड़ा उसका क्या नाम था? सच बताइएगा कि कठिन लगा ना, पर अगले प्रश्न के आगे ये कुछ भी नहीं है। अब हम बात करेंगे अब्दुल की। अब्दुल को तो आप सभी जानते हैं। अब्दुल गोकुलधाम सोसाइटी के प्लम्बर है, अब्दुल इलेक्ट्रीशियन है और किराना स्टोर भी चलाते हैं और सारे छोटे बड़े काम बेचारे अब्दुल करते रहते हैं। शाम को सब सोसाइटी वालों को सोडा भी पिलाते हैं। अच्छा बताइए कि उनकी दुकान का क्या नाम है? कठिन सवालों से आपका दिमाग थक गया है ना? चलिए एक सरल सवाल का जवाब दो, फिर अगला कठिन। और प्लीज मुझे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वाले सभी लोग अलग अलग प्रदेशों से आए हैं, इसीलिए तो इसे मिनी इंडिया भी कहते हैं। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से गोकुलधाम सोसाइटी में कौन रहता है? अगला प्रश्न सबसे कठिन होगा और अगर आपको यह मालूम हुआ तो आपको जरूर ही कमेंट में बताना है कि इसका क्या उत्तर है। क्या आप तैयार हैं? ठीक है। GPL यानी गोकुलधाम प्रीमियर लीग के 4 सीजन अब तक हो चुके हैं। सीजन 1 में जेठालाल और भिड़े कैप्टन थे, सीजन 2 में बबीता जी और दया भाभी। बताइए कि सीजन 3 में कैप्टन कौन से थे? चलिए मैं ऑप्शन दे देती हूँ। अच्छा, आपको वह एपिसोड याद है जब जेठालाल को इलेक्ट्रिक शॉक लगा था? असल में जेठालाल बबीता जी के घर जाते हैं उनकी ट्यूबलाइट को रिपेयर करने के लिए, और जब वो ट्यूबलाइट सुधार रहे होते हैं तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, जिससे उन्हें इलेक्ट्रोफोबिया हो जाता है। उन्हें हर इलेक्ट्रिक चीज से डर लगता है। हालांकि कुछ दिनों में वे ठीक हो जाते हैं, पर आपको बताना है कि जब वो बबीता जी के घर उनकी ट्यूबलाइट सुधार रहे थे तब उनके साथ कौन था? आखिरी प्रश्न उत्तर लिखने के लिहाज से लंबा है। मान लेते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा धारावाहिक बंद होने वाला हो, तो बताइए कि जो लास्ट एपिसोड इस शो का होगा उसमें आप क्या देखना चाहेंगे? इसका उत्तर काफी लंबा होगा और बहुत लोग इतना लिखने में थक जाएंगे, पर जो भी कुछ लोग लिखेंगे उनके उत्तर रोचक होंगे पढ़ने के लिए। इस वीडियो के बहुत सारे व्यूवर्स को आपके उत्तर का इंतजार है, जल्दी कमेंट में लिखिए और प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू।